सामने वाला जंगल से तोप लगा करके तोड़ा चाहा। पिकनिक मनाने का जगह तेरी माइक न छीन ले। पहाड़ काटकर दो गुफाओं का निर्माण किया गया। इका है कौन बंदर है ई पहाड़ है कौन पहाड़ है पत्थर वाला पहाड़। सामने आ गया सोन भंडार। कम कम देख रहे हैं अपने लोग चल रहे हैं नेचर सफारी चलते हैं। रत्नागिरी क्या भाई चलते हैं देख के आते हैं भाई रत्नागिरी है क्या। चलिए रत्नागिरी पर्वत पहाड़ चलिए आपको रत्नागिरी पहाड़ दिखाते हैं। और जगह चलिए हम निकल गए हैं। चलिए रत्नागिरी तो फ्रेंड फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। रत्नागिरी पर्वत पे चलते हैं देखते हैं बसंती से कहाँ तक जा पाते हैं रत्नागिरी भाई। उधर ना मिल जाए सिर का हम कुछ का डर लग रहा है भाई जंगल जंगल पूरा कैसा लग रहा है यहाँ का रास्ता। वो सामने पहाड़ दिख रहा होगा कहाँ जाना है पिकनिक मनाने का जगह भाई तेरी। ये देखिए सामने में क्या है सामने में शिकारी खड़ा है। ये देखिए गायों की टोली पूरा लगी हुई है भाई हमको डर लग रहा है हम लौट जा रहे हैं बहुत गाय गाय देख रहे हैं ना अब क्या कर सकते हैं। लग रहा है हम लोग को वापस यहाँ से रिटर्न जाना वापस जाना और रत्नागिरी ऊपर चढ़ना होगा पहाड़ पे। रत्नागिरी वहाँ पर्वत है घुमाएंगे आपको लेकिन अभी तो यहाँ पे पूरा गाय का झुंड है तो हम लोग को डर लग रहा है कि भाई हमने जाएंगे इधर बहुत गाय मारे मारने लगी नजर दिख रहे हैं बहुत सारा गाय था ना इसलिए लौट गए। कोई आदमी भी नहीं था उसको बोलते साइड करने के लिए कहीं हूँ पेट पे था बस फ्रेंड। ये सामने मनिहार मठ इसी के बगल से रास्ता गया है ना वो चला जाएगा लास्ट ब्रिज के पास पता नहीं अब कैसा आप लोग को साउंड मिल रहा होगा इसका आइडिया नहीं है। स्वर्ण भंडार 200 मीटर आगे स्वर्ण भंडार देखिए इधर का नजारा कम कम पे चढ़ना आइए यहाँ गाड़ी उड़ी सब यहीं लगा हुआ है बाइक से आगे नहीं जा सकते अब गाड़ी यहीं पार्क करना होगा। चलिए पार्क करते हैं पहले गाड़ी पार्किंग कहाँ होगा जनाब उधर चले पार्क कर चलिए इधर पार्क करते हैं एकदम साइड में। अरे भाई बंदर है बैठा हुआ गाड़िया पर बीच में कर दे पार्क। पार्किंग के लिए आप टिकट उकट कहाँ लगेगा उधर का रास्ते नहीं है। इका है कौन बंदर है ई पहाड़ है कौन पहाड़ पत्थर वाला पहाड़ कौन जगह है यार राजगीर है भाई उतरो जरा पता करते हैं कि गाड़ी कैसे पार्क होगा। तो हेलो फ्रेंड नमस्ते सत श्री अकाल आदाब वेलकम टू द रजक दिस इज योर बॉय चंदन रजक। अभी आपको लेके आए हम सोन भंडार चलिए पीछे एक्सप्लोर करते हैं आप लोग को दिखाते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जो है जू सफारी का आई बटन में मिल जाएगा उसका लिंक आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं पहले इधर एक्सप्लोर करते हैं। राजगीर में हो गया आज मेरा दूसरा दिन यहाँ चल रहा है तो देखिए आइसक्रीम लेके भाग गया पहुंच दे। देखिए भाई यहाँ बंदर बहुत सारा है ये देखिए डरा रहा देखिए आप लोग गाड़ी में मस्ती कर रहा है बंदर माइक न छीन ले। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने लोग सोन भंडार में नेचर सफारी में काफी ज्यादा भीड़ है तो अभी उधर तो लाइन लगेंगे नहीं उतना चलते हैं ऊपर आप लोग को दिखाते हैं इधर का सोन भंडार। हाँ सामने आ गया सोन भंडार देखिए कैसे बनाया हुआ भाई अंदर है क्या चले अंदर। फ्रेंड्स इधर का लुक देखिए जरासंध का सोन भंडार है ये और उस साइड है नेचर सफारी जो कि अभी देखिए उधर लाइन लगा हुआ काफी ज्यादा भीड़ है और जरासंध का अखाड़ा भी है इस साइड उधर भी आपको ले चलेंगे। पहले स्वर्ण भंडार देखिए जरासंध का चलते हैं अंदर फिर आप लोग को दिखाते हैं कि अंदर में है क्या। देखिए कितना लाजवाब बना है पर्वत गुफा
जो फिट है बिना फिट है अभी कम फिट है। इसके पीछे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज करा गया सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाह अस्खलाना बीतना चाह लेकिन तोप से छुटा नहीं दीवार पे तोप का दाग लग करके रख गया। इसी बीच हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को देख कर अंग्रेज को बाढ़ दिए इसे डायनामाइट से तोड़ो कोई बड़ी बात नहीं टूट सकता है लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी बने इसलिए ज्वालामुखी बनेगा। इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का तत्व पानी निकल रहा है तत्व पानी गंधक सल्फर रेडियम लोहा से टच होकर जा रहा है विषैली पदार्थ है विस्फोट हो जाएगा यहाँ की कोई जोड़ी नक्षत्र की मिल है इसलिए से तोड़ा नहीं गया। आज से 1700 साल पूर्व राजा बिंदुसार का बेटा अजातशत्रु के बेटा उद्देन जब राजगीर से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया यानी 1700 साल पूर्व पहाड़ काटकर दो गुफाओं का निर्माण किया गया एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। तो पश्चिमी गुफा से जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा दीवार पर बनाया गया और नीचे 1.5 फीट गड्ढे में जैसे 3रे तीर्थंकर पारसनाथ दूसरे तीर्थंकर आदित्यनाथ का प्रतिमा पाया गया लेकिन कीमती पत्थर रहने के कारण जंगल का एरिया था चोरी के भय से इसे नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। उसी रंध्रों में 3रे तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का प्रतिमा इनके माथे पर भी 7 फन का ही निशान था जो अलादीन बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया गया। कुछ कड़ी का निशान देख रहे हैं लेफ्ट राइट साइड पिलर ये छज्जेदार बरांडा था जो 1934 के बिहार कंपन में टूटकर खंडित हो गया जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो ईट और प्लास्टर चूना का निर्माण किया गया था। जैसे देखने में आपका लग रहा है अशोक चक्र लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होते हैं जैन धर्म चक्र में 32 तीलियां होते हैं। इसी से पता चलता है कि हमारे जैन धर्म का यहाँ पूजा बहुत धूमधाम से ही मनाया जाता था। जैसे में आप एक नारी का फिगर भी देख रहे होंगे दीवार पर तो पूजे की सामग्री ली हुई किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही है। कुछ लिपि वहाँ पर भी पाया गया सर जो संघ लिपि के नाम से जाना जाता है कुछ इस दीवार पर भी पाया गया लेकिन आज तक इसकी पढ़ाई नहीं हुआ। तो इसके बगल वाली गुफा में चलेंगे जहाँ पर आपका जैन और बौद्ध का टेम्पल पाया गया है। ये है भाई बगल वाला गुफा। ये बगल वाली गुफा जो देख रहे हैं आप लोग ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। जब इसकी रिसर्च 1905 में किया गया तो 2 तल्ले का गुफा पाया गया लेकिन हमारी 1934 की बिहार कंपन में टूटकर खंडित हो गया। कुछ दीवार पर मंत्र पाया गया जो शंख आकार का बना हुआ है इसी तरह से शंख लिपि लिखाया जाता था लेकिन इसकी आज तक पढ़ाई नहीं हुआ। तो जब 1934 की बिहार कंपन में टूटकर खंडित हो गया जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो 1 गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला जो कीमती पत्थर रहने के कारण नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। कुछ प्रतिमा हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी पाया गया था लेकिन हमारे जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से दो धर्मों को मानने लगे थे जैसे दिगंबर और सितंबर। जैसे में देश में तीर्थंकर पारसनाथ और अजितनाथ का प्रतिमा मिला। इधर भगवान बुद्ध का माता का नाम था माया तो सफेद हाथी और 6 तारे वाले सुबह सुबह उनको दर्शन दिया कि आपका जो संतान पैदा लेगा आज्ञाकारी और शिक्षित लेगा उसी का चित्र बनाया गया। तो जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो 7 कदम कमल का फूल पर चले थे उनका पाठाना बनाया गया। भगवान बोध गया जब तपस्या किए थे बोध वृक्ष के पास उनका बनाया गया लेकिन हमारी अलादीन बख्तियार खिलजी ने सारे प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया तो पुराना राजगीर बताया गया बस स्टैंड के पास जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज तो गिरि मतलब पहाड़ी वर्षविश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ जैसे बिपलाचल रत्नागिरी उदयगिरी सोनागिरी और वैभवगिरी पर्वत से सोन भंडार घिरा हुआ है श्रीमान। तो ये सुरंगों का भंडार है जय मुनियों का साधना गिरी है जय हिंद जय भारत। मेरा नाम रविशंकर उपाध्याय जय हिंद। सांप खा गया ये खाली किसी के हाथ में कोई सामान देख लेगा नहीं बंदर बा बहुत तबाह करके रख देता है एकदम का बताए देखिए। तो फ्रेंड्स स्वर्ण भंडार का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्वर्ण भंडार का वीडियो इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और जगह। चलिए इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।